जिंदाबाद। हमारा डिमांड इस मुद्दों को लेकर है कि जो हॉस्टल्स, पहले तो हॉस्टल बढ़ने चाहिए, हॉस्टल से ड्यू में नहीं है, सबसे बड़ा बात तो ये है। दूसरा चीज़ है कि जो हॉस्टल्स है भी उनके अंदर में अलॉटमेंट नहीं हो रही है। जो लड़कियां भी जिनको निकालने की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ ही टाइम में एडमिशन का जो प्रोसेस शुरू होने वाला है, लेकिन इनका कहना है कि जितना भी जो दिन ये जो गैप है उसके अंदर में वो एज अ गेस्ट स्टूडेंट रहेंगी। 200 रुपये पर डे उन्हें देना होगा और अगर वो चाहें तो कभी भी उन्हें वहाँ से निकाल सकते हैं। तो एक डिमांड ये है। दूसरा, जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन बिहेवियर है उसका, जिस तरीके से वो आने और जाने के ऊपर में जो रोक लगा रहे हैं, पैट्रियार्कल नॉर्म्स के ऊपर में ठोक रहे हैं, उसको लेकर उनकी बड़ी डिमांड है। हॉस्टल वालों ने पर डे हर दिन हमारे 250 चार्ज लग रहे हैं। 250 पूरे महीने के अगर हम लगाएं तो 6,500, और हमारे पूरे महीने की फीस 8,000 से लेकर 10,000, कुछ वेरिएशन होते हैं कि बीच में ये होती है। तो अगर एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए माने तो ये 16,500 एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए कितना ज्यादा बर्डन है। हम कैसे हम पढ़ने के लिए आते हैं दिल्ली जितने इतने एक्सपेंसिव शहर में हम सर्वाइव कर रहे हैं, और 16,500 सिर्फ हम अपने रहने के लिए, कॉलेज की फीस अलग। तो इतना सारा मेंटल प्रेशर एज वेल एज ये इकोनॉमिक प्रेशर भी हम पे पड़ रहा है कि हमें उसकी फी के साथ इतना फाइन भी देना है। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारी बात मानना तो दूर की बात, और हमारी बात नहीं सुनी, और जो वीमेन स्टूडेंट्स हैं RGHG की, उनको मार्क किया, उनको पर्सनली टारगेट किया कि हम तो ये करेंगे और ये रूल्स के अंदर है, आपकी डिमांड बिल्कुल इनलेजिटिमेट है, इरेशनल इलॉजिकल आपकी डिमांड है, और ऐसे करके हम सब बच्चों को वापस भेज दें। Yeah.